एक तरफ से निकास द्वार साबित हुआ है और एक तरफ से प्रवेश द्वार साबित हुआ है। निकास द्वार साबित हुआ है लाल आतंक का, निकास द्वार साबित हुआ है भ्रष्टाचार, निकास द्वार साबित हुआ है करप्शन एंड कमीशन का, निकास द्वार साबित हुआ है क्रिमिनलाइजेशन का, निकास द्वार साबित हुआ है लेवी की राजनीति का। और 2018 त्रिपुरा की राजनीति में प्रवेश द्वार भी बना है, और प्रवेश द्वार बना है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और वह प्रवेश द्वार है विकास का, वह प्रवेश द्वार है शांति का, वह प्रवेश द्वार है सद्भाव का, वह प्रवेश द्वार है तरक्की का, वह प्रवेश द्वार है नई उमंग नई उड़ान का, और वह प्रवेश द्वार है उन्नतो त्रिपुरा श्रेष्ठो त्रिपुरा का। ये फर्क हमको समझना है। अब ये सिर्फ मैं शब्दावली नहीं बोल रहा हूं, जो लोग 2018 के पहले के त्रिपुरा को जानते हैं उनको अच्छी तरीके से याद होगा कि जो मैंने शब्द बोले हैं वो एक एक शब्द सही निकले। आप लोगों ने हमें जन समर्थन दिया, 43% का वोट आपने हमको शेयर किया, हम धन्यवादी हैं, लेकिन हमने उसका आदर रखते हुए पूरी कमिटमेंट के साथ काम किया, और त्रिपुरा जो बंद ब्लॉकेड इंसर्जेंसी के लिए जाना जाता था उससे मुक्ति दिला करके पीस प्रोस्पेरिटी डेवलपमेंट एंड हार्मनी लाने का काम भारतीय जनता पार्टी। आभावग्रस्त त्रिपुरा से आज समृद्ध त्रिपुरा की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, हम एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा उन्नत त्रिपुरा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपके सामने कुछ शब्दों के साथ बताना चाहता हूं, जो कहा था वो किया है, एंड नो पोलिटिकल पार्टी हैज द गट्स टू से लाइक दिस व्हिच आई एम सेइंग व्हेन आई टॉक अबाउट पार्टी। हमने कहा था कि हम हाउसिंग फॉर ऑल देंगे, हम सबको घर बनाने, जो कच्चे मकान में रहता है उसको पक्के मकान देंगे। आई हैव द प्राउड प्रिविलेज टू से दैट इन द पास्ट 5 ईयर्स 3,60,00,000 मकान बने हैं देश में, और 3,50,000 मकान त्रिपुरा में बने हैं, और लगभग 2,50,000 बेनिफिशियरीज को बेनिफिट मिला है। हर विधानसभा में कम 5,000 एवरेज कंस्टिट्यूंसी में 2,500 करोड़ की लागत से घर बने हैं त्रिपुरा में। ये मेरे शब्दों को नोट कर लेना। मैं अभी गया था, हमारे एयरपोर्ट के बगल में गांव है, शायद वो नाम गांव का नाम भूल गया, लंकापुरा, और मैंने वहां पर घर देखे। मैं चाहूंगा पत्रकार बंधुओं से भी जाकर के देखिए वो घर, मैं जाकर कहता चाहता हूं कि जाकर के वो घर देखिए क्या पक्के मकान बने हैं। और जब मैंने उन लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा हमारी जिंदगी बदल गई, झोपड़ियों में रहते थे आज हम पक्के मकान में हैं। ये मैं अगर मैं बात करूं, हमने कहा था ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज टू ऑल, हमें ये गर्व के साथ कहना होता है कि 2018 में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी वॉज 3%, टूडे इट इज 55% अंडर जल जीवन मिशन। 1,00,000 फंक्शनल हाउस होल्ड को टैप कनेक्शन 2022-23 में दे दिया गया, और इसी तरीके से हम बड़ी संख्या में इस बजट में प्रावधान करके हम इसको ऑन गोइंग वर्ष में बढ़ा रहे। हमने कहा था कि हम फ्री हेल्थ इंश्योरेंस बीपीएल फैमिलीज को देंगे। आज मुझे खुशी है कि मैं यहां कह सकता हूं कि 13,00,000 आयुष्मान कार्ड त्रिपुरा में लोगों को दिए गए, 13,00,000, और 107 करोड़ रुपए का सेटलमेंट किया गया है, यानी 107 करोड़ रुपीस गरीब लोगों को गंभीर बीमारियों से इलाज के लिए त्रिपुरा में दिया गया, और सारे देश में 80,000 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत में। अगर मैं बात करूं एजुकेशन टिल ग्रेजुएशन, तो मुझे खुशी है ये बताते हुए
कि ऑल काइंड ऑफ फीस ऑफ द गर्ल चाइल्ड स्टूडेंट्स रक्षाबंधन गिफ्ट के तहत इसको वेव ऑफ कर दिया यह त्रिपुरा की सरकार ने। अगर मैं बात करूं, हमने कहा था मिनिमम भत्ता 2000 होगा और मुझे खुशी है कि मैं ये कहता हूं कि सोशल पेंशन वॉज इंक्रीज फ्रॉम 1000 to 2000 rupees। इस बात को भी हमको ध्यान रखना। अगर मैं और इसी के साथ हमने कहा था कि हमारा मिनिमम वेजेस 340 rupees होगा, दैट वॉज ऑल्सो इंसिडेंट। हमने कहा था स्मार्टफोन्स देंगे, हजारों की संख्या में स्मार्टफोन्स हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को दिया गया, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। वी हैव प्रॉमिस्ड फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ पैडी और उसके लिए एमएसपी, मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि 1,30,000 metric tons पैडी इसको हमने प्रोक्योर किया और 70,000 फार्मर्स को इसका बेनिफिट मिला और 243 crores इसमें खर्च हुए थे। ये भी हम आपको, मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आई वॉन्ट टू की एम्फसाइज ऑन वन थिंग कि जो हम कहते हैं वो करते हैं, इसलिए जो आज हम कहेंगे वो त्रिपुरा का रोड मैप बनने वाला है, इस बात को भी आपको याद रखें। और मैं यहां पर अब आपको वो भी कहना चाहता हूं जो कहा था वो किया है। अब मैं उन बातों की चर्चा कर रहा हूं जो नहीं कहा।